सर, आपने अभी इसी एग्जांपल में कहा था कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन वीनस की होती है, इसमें एक शुक्र की, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट जोन जो है शुक्र का होता है। हाँ। सर, बाकी हम जैसे लोशु ग्रिड देख रहे थे उसमें कुछ और था, जैसे साउथ ईस्ट में चार नंबर होता है, तो ये थोड़ा सा नहीं, राहु आहु नहीं लेते इसको हम ऐसे, ये साउथ ईस्ट हम तो दिशा की बात अलग करते हैं और नंबर, जब आप नंबर लेते हैं तो आप उसको न्यूमरोलॉजी से जोड़ देते हैं। ओके, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये न्यूमरोलॉजी नहीं है, ना ये न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी डिफरेंट होती है, न्यूमरोलॉजी अलग होती है। यहाँ पे तो एलिमेंट की बात हो रही है, तत्व की बात हो रही है, कस्टमाइज्ड वास्तु की बात हो रही है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ ली जाती है। कस्टमाइज्ड वास्तु आप ज्योतिष के हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस लोशु ग्रिड से ही कर सकते हैं, जिन लोगों को कुंडली का ज्ञान है उससे भी कर सकते हैं, इससे भी बेटर कर सकते हैं। ईस्ट फेसिंग का टॉयलेट है, इनका कहने का मतलब है कि ये हमारा है मान लीजिए, और ये ईस्ट है मान लीजिए, ऐसे ना ये कहना चाह रहे हैं। आप क्या करें, उसके अंदर जो है आप अपने टॉयलेट में अंदर आ गए, दरवाज़ा बंद कर दिया, वो जो दरवाज़ा है उसका, उसको रेड पेंट कर सकते हैं। रेड मीन्स जो लेटर बॉक्स के ऊपर होता है ना, हल्का सा मैरून टाइप का होता है, वो वाला पेंट कर सकते हैं। आप एक बाउल में समुद्री नमक रख सकते हैं, जो कि एवरी 49 डेज चेंज करना होता है, ठीक है। उस टॉयलेट के साउथ ईस्ट में रेड बल्ब भी लगा सकते हैं। एक इसके सामने में, इसमें जितना बड़ा हो सके, जिसमें कि डब्ल्यू सी रिफ्लेक्ट ना हो, यानी ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है, लुकिंग मिरर लगा दीजिए, वर्चुअली वो एक्सटेंड हो गया आपका ईस्ट, वो थोड़ा डिस्टेंस में चला गया, या उसके नॉर्थ में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और सर, साउथ वेस्ट में तो उसकी रेमेडीज क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम रेमेडी करते तो हैं, बट कोई विशेष रेमेडी होती नहीं है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी, सेंटर की रेमेडी और साउथ वेस्ट की रेमेडी, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। जैसे एक बार किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाए तो उसका इलाज तकरीबन जिंदगी भर चलता रहता है, कम ज़्यादा तो होती है उसकी डोज। हाँ, उसके अंदर जो है इस तरीके से कर सकते हैं, यहीं पे देख लीजिए, ये मान लीजिए, मान लीजिए साउथ वेस्ट है ही वैसे साउथ वेस्ट, ठीक है। अब इसके यहाँ पे येलो कलर का पेंट कर दीजिए नीचे फ्लोर पे। नहीं समझ में आया? आया किसी को समझ में? नहीं जी, दोबारा बोलूँ, ये टॉयलेट है, ठीक है जी, इसके यहाँ पे नीचे फ्लोर पे येलो कलर का 2.5 इंच चौड़ा पेंट, ये 2.5 इंच रहेगा, ऐसे कर दीजिए। कहाँ पे? फर्श पे, पे। यानी टॉयलेट हो गया, डब्ल्यू सी सीट हो गई आपकी, इसके चारों तरफ जमीन पे ही, ठीक है ना। वो कोई बात नहीं, वो गलती नहीं है, गेट को भूल जाओ। मतलब कभी भी डब्ल्यू सी अगर नॉन रिक्वायर्ड जोन में है तो ये रेमेडी हम कर सकते हैं। सिंपल रेमेडी तो यही है ना, कि आपने टाइल भी नहीं तोड़ी, कुछ नहीं करनी, एक टेप लगा दी, जो कार के ऊपर जो स्टिकर नहीं लगते कार वाले, कार एक्सेसरी वाले से, वो नीचे चिपका दो, वो लंबे टाइम तक टिक जाते हैं, पानी बिगड़ गया तो भी। पेंट करते हैं तो पेंट हट जाता है, पेंट मुश्किल से हफ्ते भर में हट जाता है, क्योंकि वो चिकना होता है, टिकता उस पर है नहीं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ना ऐसे ऐसे लहरें वहर नहीं होनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, जैसे पेंट भी करें हम तो ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए। सर, इसमें पेंट के अलावा कुछ ऐसे बना भी सकते हैं सर, थोड़ा सा रेस करके उसको, कोई पत्थर, पीला पत्थर या किसी चीज़ से? रेस कैसे करेंगे, यानी ऊपर फ्लोर लेवल से ऊपर उठा हुआ? मतलब वो आपने कहा सर एनक्लोजर? नहीं नहीं, इसमें ऐसे कर दीजिए बस, ठीक तो है, टाइल लगा सकते हैं, जैसलमेर पत्थर लगा सकते हैं, वो तो किसी भी तरीके से मैंने बताया आपको। पुटिंग अ ब्रास स्ट्रिप इनसाइड द स्टोन? नहीं नहीं नहीं, एक स्ट्रिप से मुझे ध्यान आ गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने जी चांदी की तार, तांबे की तार, हमारा घर साउथ फेसिंग था, बोलते हैं ना ये कि हमने वो लगा दी, तो तार नहीं लगती पहली बात तो, स्ट्रिप लगती है, पत्ती लगती है, यानी फ्लैट, ठीक है। दूसरी बात,
चांदी की लगती है, वो कब लगती है, यदि साउथ फेसिंग घर है, बेसिकली साउथ फेसिंग एक एस्ट्रोलॉजी की भाषा में साउथ, जैसे आम कर्मकांडी पंडित होते हैं ना, तो वो इतना जोन तो निकाल नहीं पाते, तो बोलते थे भाई साउथ फेसिंग है, बेसिक उनका मतलब होता है कि साउथ वेस्ट फेसिंग है। यदि साउथ वेस्ट फेसिंग है तब ये ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, अदरवाइज नहीं होती। समझ में आ रही बात? क्योंकि पंडित लोग सिर्फ चार दिशा की बात करते हैं, कर्मकांडी पंडित जी की बात करो तो वो ज़्यादा निर्धारण उसका नहीं करते, वो तो बस ऐसे देखते हैं उनको, वो तो बस सन सा आइडिया लगा लेते हैं कि भाई इधर से सूरज निकल रहा है तो इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट, सिंपल है, तो इस तरीके से लगा लेते हैं। अदरवाइज उनका मतलब यही होता है कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। हाँ जी, सॉरी, एक्सीडेंट जोन, उसमें तो साउथ वेस्ट अपने आप में है, साउथ वेस्ट में कोई भी दोष होगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट होगा, और वो एक्सीडेंट अगर मान लीजिए साउथ वेस्ट में भी दोष है और साथ में साउथ में भी दोष है, तो वहाँ पे आपको ऐसा एक्सीडेंट होगा जिसमें फेटल हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। एक तो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैं गिरा, मेरे को गुम चोट लग गई, कुछ नहीं, मैं कोमा में चला गया, एक होगा नहीं सर फट गया, ब्लीडिंग हो गई, कट गया, किसी ने गोली चला दी, एक और जाने से नेक्स्ट था, लास्ट है, ठीक है, चलिए और निकालना क्या कैश इस पर? सर साउथ वेस्ट पर टॉयलेट और बाथरूम से था, तो बाथरूम के लिए अलग से रहेंगे। सॉरी, साउथ वेस्ट में से टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट और बाथरूम दोनों एक ही में? हाँ इकट्ठे हैं ये, हाँ, तो हमने रेमेडी से इसी की करनी है, आप इसको इस तरीके से समझो, ये पूरा मान लीजिए पूरा प्लॉट है 10x10 का, 10x10 मीटर का समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे किचन बना दी, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये गलत हो गया, बेडरूम में मतलब बेड को देखते हैं, किचन में यानी अग्नि को यानी चूल्हे को देखते हैं, टॉयलेट में यानी WC को देखते हैं, ये नहीं कि वो पूरा का पूरा, अगर मैंने WC बना दिया, मैंने एक 20x20 का WC बना दिया तो पूरा 20x20 का काउंट होगा, नहीं समझे बात आप? किसको समझ में नहीं आ रही बात? किसी को नहीं आई? दोबारा बोलूँ अनिल जी, ये पूरा का पूरा मान लीजिए, पूरा का पूरा है, ये पूरा हॉल है, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, तो इसी को ही माना जाएगा साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट यही है, समझ गए? यानी पूरा का WC बने यहाँ पे बना दिया टॉयलेट, तो पूरा का पूरा बाथरूम नहीं काउंट होगा, ये तो जोनिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ तक आ रहा है। तो हम कई बार क्या देखते हैं कि मान लीजिए पूरा का पूरा बाथरूम आ गया बड़ा, हा कई बड़ा, तो हम पूरे का पूरे बाथरूम को कह देते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये थोड़ा सा जब आप नक्शा लेते हैं तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, ये मान लीजिए साउथ है तो ये क्या आएगा, ठीक है, अब ये साउथ है तो ये साउथ वेस्ट आ गया, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक टॉयलेट डिजाइन कर दिया इतना सा, यहाँ पे ये स्टोर बना दिया, ठीक है जी, और ये टॉयलेट बना दिया मैंने, और आर्किटेक्ट ने यहाँ पे इसको सीट बना दी WC, तो ये गलत है सही है? सही कैसे है, है? हाँ, ये वाला सही है गलत है? सुरेंद्र ठीक बैठ जाइए। अब इसके अंदर जो है, वैसे तो ये अगर हम बात कर रहे हैं कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, गलत है, लेकिन जब इसको 16 भाग करते हैं तो अब इसमें छोटा सा हिस्सा बचता है इसका, एक 11 डिग्री के आसपास का, बल्कि 10 डिग्री के आसपास का, हाँ,
तो वहाँ पे थोड़ा सा इसके पास में ये चीज़ ठीक है। इसलिए जब मैंने जो बोला जब उसके पद पे आएंगे ना, जब आप इक्यासी भाग कर देंगे, ओ सॉरी 32 भाग कर देंगे, तब आपको हमें क्लियर हो जाएगी। अगर ये थोड़ा और आगे चला जाता है, यानी उसने यहाँ तक बनाया तब, तो इसमें भी अगर अभी नक्शा ही बना है, अभी ये बना नहीं है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं यहाँ से उठा के जी, अगर आप एकदम एक्यूरेट नहीं कर पा रहे तो आप उसको बोले यहाँ से उठा के यहाँ लगा दीजिए या कहीं भी और लगा दें, यानी इस हिस्से में लगा दें, वो इतने हिस्से में कहीं भी लगा दें, तो भी ठीक हो जाएगा। यानी उसकी प्लेसमेंट नहीं बदली, जोन बदली, बाथरूम की जगह तो बाथरूम रहा। सर पर साउथ वेस्ट जैसे है 45 डिग्री में और तो इसका आ तो उसी जोन में रहा है ना सर साउथ वेस्ट। जब उसका आप थोड़ा और एडवांस जाएंगे ना जी, आपकी बात एक बात करते हैं, इसका जवाब ठीक है आपकी कि साउथ वेस्ट में आ रहा है, ये तो गलत है। एक चीज़ तो गलत है दीपिका सुरेंद्र, ये चीज़ इसे तो ये ठीक है कि जब हम इसके 8 भाग कर रहे हैं तो ठीक है ना, तो बेसिक वो तो बिल्कुल सेफ हो गया, पूरा का पूरा बचने के लिए हो गया हम, कि भाई हम पंगा ले ही क्यों। मान लीजिए आर्किटेक्ट थोड़ी गलती कर दे, हो सकता है मेजरमेंट में कुछ गलती हो सकता है हमारी दिशा देखने में कुछ गलती हो गई हो, 2-4-5 डिग्री फर्क आ ही सकता है, ठीक है ना। तो हम उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के मारे हम 8 भाग बांट देते हैं, ठीक है ना। यदि आप बिल्कुल एक्यूरेट ले रहे हैं जो कि हो नहीं सकता, बिल्कुल पूर्ण पॉइंट नहीं हो, तो उसको बोलो भाई यहाँ बना दो। अब इसमें इसमें और इसमें अंतर करना तो बहुत मुश्किल काम है ना, इसलिए 99% तक उम्मीद है कि ये चीज़ गलत हो सकती है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें गलती का चांस रहे, उसका अपोजिट ले आओ। हाँ हाँ वो यही कह रहे हैं, नहीं नहीं हमने साउथ वेस्ट में नहीं लिया है जी, ये साउथ वेस्ट तो ये है ना जी, यहाँ से उठा के मतलब तो यहाँ ले रहे साउथ में ले आए ना, तो ठीक हो गया सर। हाँ बस तभी तो कह रहा हूँ, यानी हमने बाथरूम थोड़ी ना चेंज किया, बाथरूम तो वहीं का वहीं है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसकी वॉल साउथ वेस्ट में भी चली गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाथरूम गलत हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ आती है राहुल जी? अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वास्तु से हिसाब से आपने कर दिया, मैंने कर दिया, आपने कर दिया, आर्किटेक्ट ने बना दिया, उसे ने बनवा लिया, कुछ टाइम के बाद 6 महीने बाद वहाँ का जो मालिक जब रहने आया उसको दिक्कतें आनी शुरू हो गई, परेशानी आनी शुरू हो गई, उसको लगता है यार वास्तु के हिसाब से करवाया था फिर भी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, फिर वो खोजबीन में हो जाता दूसरे वास्तु कंसल्टेंट की कि चलो यार अब इतना नुकसान हो रहा है 5-10 हज़ार रुपये और भी देंगे, उसको भी बुला लो, वो उसको बुला लेता, अब उसको जोनिंग निकालने नहीं आती, उसको समझ है नहीं, उसको उसने नक्शा दिया नहीं, उसने कंपास लगाया छूटते ही बोलेगा साउथ वेस्ट, कहता ये तो पता नहीं किस किस बेवकूफ़ से करवा लिया ये साउथ वेस्ट, अरे नाम तो इतना हो गया सिंगल साहब का, आता तो कुछ नहीं, ये देख लो जी किताब में लिखा है, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लिखा है। तो यहाँ एक गड़बड़ आ जाती है, तो उस चीज़ से भी बचने के लिए कि फ्यूचर में भी उसके मन में वहम ना आए, तो बेटर है ना भाई साउथ में ले आओ, अगर हो सकता तो, हो ही नहीं सकता तो बात अलग। हाँ जी वो क्यों दोष होता है, क्योंकि वहां पे स्टोर होना नहीं चाहिए, और जहां पे स्टोर होगा वहां किचन नहीं होनी चाहिए, एक दोष तो यही हो जाता है। दूसरी बात जो लोग ये सोच लेते हैं क्योंकि वहां पे खाना बनेगा ठीक है ना, और यहाँ पे फ्लश आउट हो जाएगा, तो उसमें वो क्या करते हैं एक जो रेमेडी वो देते हैं कि दोनों दीवारों के बीच में ना गैप कर देते हैं, क्या बैठी हो दोनों दीवारों के बीच में गैप कर देते हैं और वहाँ बना लेते हैं, समझ रहे मेरी बात अब? हाँ लेकिन मेरा यहाँ तक मानना है कोई खास बात नहीं, फिर भी बहुत लोग बहुत ज़बरदस्त वहमी होते हैं, बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं, बनाने को जगह भी नहीं है, उतनी जगह है, तब उनको कह दीजिए गैप कर दीजिए, ठीक है ना। इसी तरीके से एक दिक्कत और आती है कई बारी मंदिर की आ जाती है,
लोग मंदिर भी जरूर बनाएंगे, मंदिर भी जरूर बनाएंगे, और वो टॉयलेट के साथ वाली दीवार आ रही है, उसके नज़दीक आ रही है, ये दिक्कत आती है नॉर्मली फ्लैट्स में, जब फ्लैट को रेनोवेट करने लगते हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, है ना, महानगरों में, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, आम की लकड़ी का फट्टा लेकर के, मतलब मजबूरी हो गई है, मान भी नहीं जाए, आम की लकड़ी का फट्टा वो लेकर के उसके बीच में पार्टीशन कर देना चाहिए। नहीं समझ में? पार्टीशन लकड़ी का कर देना चाहिए, आम की लकड़ी, आम की लकड़ी का, आम की लकड़ी, आम की लकड़ी के प्लैंक फट्टे मिल जाते हैं, सस्ते से होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। और दूसरी आती है फिर नीम की लकड़ी, क्योंकि आम की लकड़ी में एक प्रॉब्लम आती है कि उसमें दीमक लग जाती है, नीम की लकड़ी में दीमक नहीं लगती फ्यूचर में भी, तो वो लगा देनी चाहिए। यानी दीवार तो है ही है, दीवार के बाद जब हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है कुछ समझ में आया नहीं, दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे पैनलिंग हो जाएगी, किसने बोला आपने? यस, ये मंदिर है, ये टॉयलेट है, ये वाला टॉयलेट है, ये पूजा स्थल है, तो यहाँ पे जो है ना वुडन पैनलिंग कर दीजिए। वुडन में मतलब नीम की और आम की, आम की बेस्ट होती है, लेकिन कोई भी दिक्कत हो अगर उसमें ट्रमाइट कर लिया जाए उसको ठीक से, तो थोड़ा सा बचा जा सकता है। मंदिर में अभी ले लेता हूँ, मंदिर में कभी भी घंटियाँ बजाते हैं ना घर में, घंटी ये नहीं बजानी चाहिए, हाँ छोटी वाली, और क्या बाकी इतने बड़ा लगाओगे, बजानी नहीं चाहिए। वैसे पहली बात तो घर में मंदिर ही नहीं होना चाहिए, अज्ञानी लोग, भ्रमित लोग, पाखंडी लोग, ठीक है ना, घर में मंदिर बना लेते, बताया था ना मैंने कल, शंख भी नहीं बजता, शंख बजाने की भी विधि हमारे बीच में, यहाँ पे कोई बंगाली है नहीं है, बंगालीज को मालूम होता है, क्योंकि एक शंख बनता है युद्ध के समय में, एक शमशान में भी बजता है मृत्यु पे, और एक पूजा पे बजता है, तीनों की वाइब्स अलग अलग होती है। घंटी बजाने से वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, वो जो अपने बनाए, वो सिंबॉलिक रूप में, वो बेसिकली पूजा स्थल है, मंदिर नहीं है, सिंबल्स हैं वो, और वो चीज़ एक्टिव हो जाती है, एक्टिव कैसे समझाऊँ, हम अपने पीएन को ये बोलने लग जाए सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम, और कुछ दिन बाद उसको फीलिंग आने लग जाएगी कि आज सेठ जी ने आज राम राम निकली, ठीक है ना, बुरा लगने लग जाएगा उसको। ऐसे ना पूजा, इसीलिए मंदिर में विशेष पूजा होती है ना, आपने कोई सत्यनारायण की कथा रखी है, कुछ और रखा है, तब कल्याण अलग बात होती है। उसका जो कर्टन है वो लाल रंग या भगवे रंग या केसरी रंग का नहीं होना चाहिए, लाल सेफ्रॉन जिसको बोलते हैं, मेजरली वही होता है घरों में, वही होता है मैक्सिमम, वही होता है। जब होना कैसा चाहिए ये पूछ लो, कैसा होना चाहिए, जैसे हमारे ऑर्डिनरी कर्टन होते हैं वैसा होना चाहिए, वो जो अपने कमरे में जो पर्दे लगे होते हैं